गौहत्या के मुद्दे पर बीजेपी की ओर से घेरे जाने पर कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी की कर्नाटक इकाई के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट को शेयर करते हुए निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता का एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि अवैध गोहत्या का विरोध करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए प्रियांक खड़गे पुलिस अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। बीजेपी पर पलटवार करते हुए प्रियांक खड़गे ने रविवार को ट्वीट किया, डियर बीजेपी कर्नाटक, अब आपकी उस एजेंसी को बर्खास्त करने का वक्त आ गया है जो पार्टी का ट्विटर हैंडल संभाल रही है। साफ है कि वे कन्नड़ नहीं समझते, संविधान को समझना तो दूर की बात है। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा, क्या बीजेपी सुझाव दे रही है कि गौरक्षकता कानूनी है और किसी भी प्रकार के निगरानी रखने वालों को कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोशिश करके देख लो दोस्तों, कर्नाटक सरकार आपको संविधान की ताकत दिखाएगी। वहीं इससे पहले रविवार को ही गौहत्या के मुद्दे पर कर्नाटक बीजेपी ने प्रियांक खड़गे को टैग करते हुए ट्वीट किया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 साफ तौर पर जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाता है, खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर। हालांकि प्रियांक खड़गे न सिर्फ अवैध गोहत्या को बढ़ावा देकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि पुलिस अधिकारियों पर इसका विरोध करने वालों को गिरफ्तार करने का भी दबाव डाल रहे हैं। बीजेपी ने आगे लिखा, स्वयंभू संविधान विशेषज्ञ सिद्धारमैया को ये बताना चाहिए कि क्या बाबा साहब के भारतीय संविधान का उल्लंघन है या नहीं, अगर नहीं तो दोनों को भारतीय संविधान पर शिक्षित होने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।